अगर आपका जन्म जून महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 7 और इसके स्वामी ग्रह हैं केतु, जिसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। वहीं जून के महीने को मिथुन राशि रिप्रेजेंट करती है, जिसे बुध देव अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर कृपा दृष्टि से तात्पर्य है मनुष्य में शारीरिक गुणों का अधिक विकास होना। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ रहेगा, मेंटली और टेक्निकली फील्ड की अपेक्षा फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव रहेगा। अतः आप लोगों पर केतु और बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। केतु जो कि एक छाया ग्रह है, एक आध्यात्मिक ग्रह है, रहस्यमय ग्रह है। केतु वैराग्य का प्रतीक है, दिव्य शक्ति अंतर चेतना का प्रतीक है। केतु स्वतंत्रता का प्रतीक है। केतु मौलिक विचारों को दर्शाता है, एक विशिष्ट चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है जिसके आकर्षण से निकलना लगभग असंभव सा हो जाता है। केतु यहाँ तर्क, बुद्धि, ज्ञान, कल्पना और अंतर्दृष्टि का कारक है। केतु मानसिक चिंता का कारक भी है। केतु विक्षोभ का कारक है, मर्मज्ञता का कारक है। केतु शरीर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, स्वभाव से मंगल की भांति कार्य करता है। कुंडली में केतु अगर अच्छी और मजबूत स्थिति में होगा तो ये व्यक्ति को जीवन की उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जाता है, जो कि आध्यात्म और मोक्ष का द्वार खोल देता है। लेकिन बिरले ही हैं जो इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। अगर केतु कमजोर स्थिति में हुआ तो व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं में, भौतिक भोग विलास में खोता चला जाता है। धन कमाने में इतना अधिक व्यस्त हो जाता है कि वो किस उद्देश्य से यहाँ आया है उस मार्ग से भटक जाता है। वहीं दूसरी ओर बुध, जो कि हमारी बुद्धि है, विवेक है, चातुर्य है, ज्ञान है, संयम है। बुध व्यापार है, व्यवसाय है। बुध हमारी तार्किक बुद्धि को दर्शाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। बुध परिवर्तनशीलता का सूचक है, कल्पनाशीलता का सूचक है। बुध हमारे साहस, हमारे उत्साह का भी सूचक है। बुध हमारी आजादी को, हमारे आनंद को दर्शाता है। बुध आशावादी होना दर्शाता है। बुध के प्रभाव के कारण ही एक व्यक्ति अच्छी बुद्धि, एक चातुर्य पूर्वक विवेक प्राप्त करता है। अपनी समझदारी और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से ये लोग दूसरों पर अपना इम्प्रेशन जमाने में सफल रहते हैं। चिंतन, ज्ञान, विश्लेषण, स्मरण शक्ति, बोलने की कला, वाणिज्य और व्यापार में अच्छा ज्ञान, लाभ हानि में सामंजस्य बिठाने की कला में बुध से प्रभावित व्यक्ति भली भांति करना जानते हैं। इनके बातचीत की कला ऐसी होती है कि सामने वाले को आकर्षित कर ले। इसीलिए ऐसे लोग सोचने, समझने और बोलने में कभी भी मार नहीं खाते हैं। ऐसे व्यक्ति हृदय से दयालु होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, उदार विचारों वाले होते हैं, काव्य प्रतिभा के धनी होते हैं, बड़े बड़े और ऊंचे सपने देखने वाले होते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें पहले से हो जाता है। रहस्यमय वस्तुओं के प्रति इनमें प्रबल आकर्षण होता है और इस संदर्भ में इनके पास अनेक और विचित्र अनुभव भी होते हैं जो लोगों को अवश्य प्रभावित करते हैं। लोगों से इन्हें धोखा मिल सकता है। इनका विवाहित जीवन भी अस्त व्यस्त ही रहता है। यात्राओं के ये बेहद शौकीन होते हैं, छोटी छोटी यात्राएं अक्सर करते ही रहते हैं। समुद्री यात्राओं में इनको बेहद दिलचस्पी होती है, लेकिन इन्हें जल में डूबने का खतरा भी बना रहता है। इन्हें स्किन से रिलेटेड समस्याएं अक्सर परेशान करती रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता कमजोर होती है, डिसीजन पावर कमजोर होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग। ये दूसरों की बातों को सुनना या उनसे सलाह मशवरा करना बेवकूफी समझते हैं। शिक्षा में भी इनके बाधा आ सकती है। इन लोगों को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में, उन्हें समझाने में काफी समस्या आती है। आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति निरंतर बनी रहती है। इनकी योजनाएं यथार्थ से, सत्य से परे हो सकती हैं, जो इन लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। लोग इनकी योजनाओं को समझने में अक्सर नाकामयाब रहते हैं, जिस कारण इनके साथ इन्वेस्टमेंट करने से भी लोग घबराते हैं। इनकी विचारधारा काफी संकुचित होती है, हमेशा एक अज्ञात भय में जीते हैं। या तो ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे या फिर नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं। इनका अपनी वाणी पर भी नियंत्रण नहीं हो पाता है। कभी तो ऐसे हो जाएंगे कि किसी को भी बोलने का मौका नहीं देंगे और कभी एकदम शांत।
जैसे बोलना ही जानते ना हो। इनके आपसी रिश्तों में भी संवाद की कमी देखने को मिलती है। इन्हें घर परिवार से भी धोखा एक बार अवश्य मिलता है। इन्हें झूठे आरोप भी सहने पड़ते हैं। बार बार धोखा खाते ठोकरे खाते खाते उम्र के 42वें वर्ष के बाद इनकी बुद्धि में स्थिरता आने लगती है। इनकी सोच सकारात्मक होने लगती है। तब जाकर ये जीवन के दूसरे अंतिम पड़ाव में पहुंचकर काम में स्थिरता ला पाते हैं। धन समृद्धि आती है। ऐसे व्यक्ति मोक्ष मार्गी होते हैं, मोक्ष की चाह रखते हैं। हमेशा मोक्ष की आत्मज्ञान की बात करते ही आपको नजर आएंगे। देर से ही सही, लेकिन आप विद्या जरूर अर्जित करते हैं। इन लोगों के अनैतिक संबंध भी किसी से छुपते नहीं है। यहाँ बुध इन्हें फ्लर्टी नेचर भी देता है और केतु कामुकता प्रदान करता है। इनके अनैतिक संबंधों से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों की भावनाएं कुछ विचित्र प्रकार की हो सकती हैं, क्योंकि ये लोग उस समय अति कल्पनावादी हो जाते हैं। इनकी फैंटेसी एक अलग ही किस्म के अप्राकृतिक सेक्स का रूप धारण कर लेती है। मूलांक सात वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मूलांक सात पर बनी मेरी दोनों वीडियोस अवश्य देखेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप 16 तारीख को जन्मे हैं या फिर 25 तारीख को, इन पर बनी मेरी वीडियोस भी आप अवश्य देखेगा। इसी तरह से मूलांक एक से लेकर मूलांक छह वालों की वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आप चाहे 19 जनवरी को जन्मे हो या फिर 12 फरवरी को, 23 मार्च को या फिर 31 अक्टूबर को, आप अपनी जन्म तिथि अपने मंथ के अकॉर्डिंगली इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 7, 16 और 25 जून में जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। मिथुन राशि का बुध काफी चंचल स्वभाव का होता है। बुध बुद्धि का कारक है, तर्क शक्ति देता है, वाद विवाद कराता है, अच्छी याददाश्त देता है, अच्छा वक्ता बनाता है, व्यवहार कुशल बनाता है, हाजिर जवाब बनाता है, अच्छे मित्र भी बनाता है। संबंधों को निभाना ये लोग अच्छे से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर केतु एक अलगाववादी ग्रह है, व्यक्ति को एक संत की तरह रहने के लिए प्रेरित करता है। सुख सुविधाओं भोग विलास से ये दूर रखता है। रिश्तों में एकाकीपन लाता है। केतु का स्वभाव बुध से पूर्णता विपरीत है। वो बुध को यहाँ फल देने से भटकाता है। यहाँ केतु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। बुध की राशियां दी स्वभाव हैं। बुध में अलहड़पन है, मस्ती है, मौज है। बुध से प्रभावित व्यक्ति भी दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं। दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। बुध खुराफाती दिमाग का बनाता है, चतुर बनाता है, गुन्ना बनाता है। मन ही मन दूसरों की तरक्की से जलना, सामने मीठी बातें करना, चापलूसी व्यवहार करना और पीछे से मन में बुराई रखना, बैर पालना, बुध के द्वि स्वभाव को दर्शाता है। फिर केतु के साथ मिल जाने से इनकी बातें उजागर हो जाती हैं, जिस कारण परिवार मित्रजनों से इनके संबंध खराब हो जाते हैं। अगर बुध कुंडली में आपका मजबूत है, प्रबल है, तो आप एक अच्छे वक्ता तो होंगे, लेकिन केतु के कारण आप अर्थहीन बातें करने वाले, डींगे हांकने वाले, जरूरत से ज्यादा प्रवचन बोलने वाले बन जाएंगे। कई बार आपकी कही बातें ही आपके लिए समस्याएं खड़ी कर देंगी। अतः जितना हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जोश में भी होश से काम लें, क्योंकि यही हाल आपकी वाणिज्यिक योजनाओं का भी हो सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को जाने बिना बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना आपके आर्थिक ढांचे को ध्वस्त कर सकता है। यही हाल आपकी सोच, आपकी विचारधारा का भी है। और ऊपर से अत्यधिक संवेदनशील हो जाना आपके रिश्तों में परेशानियों का सबब लेकर आता है। वहीं अगर बुध कमजोर स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला होगा, संकोची स्वभाव का होगा, अपनी बात को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने नहीं रख पाएगा। ऐसा व्यक्ति अकेले रहना ज्यादा पसंद करेगा। आपसी रिश्तों में भी संवाद की कमी रहेगी। संकोची स्वभाव के कारण अपनी योजनाओं को कार्य रूप नहीं दे पाएगा। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे, नजदीकी रिश्तों में भी सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा। ऐसे व्यक्ति का आर्थिक दृष्टिकोण कमजोर रहेगा, बिना सोचे समझे खर्चा करने वाला होगा। कई बार तो खूब कंजूसी से चलेगा तो कई बार बिना बजट के भी खूब खर्चा कर डालेगा। बुध अगर कुछ ज्यादा ही खराब स्थिति में हुआ, खराब घर में हुआ, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक अवसाद की स्थिति में भी पहुंच सकता है। लंबे समय तक हॉस्पिटल में या सुधार गृह में रहने की नौबत भी आ सकती है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो 7, 16 और 25 जून में जन्मे लोगों को अपने बौद्धिक स्तर में सुधार लाना होगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, अपने जीवन में एक ऐसे सलाहकार को अपने साथ रखना होगा जो आपको कदम कदम पर भ्रमित होने से बचाता रहे, जो आपके हित का सोचे, आपको सही सलाह दे, आपको सही दिशा प्रदान करे। लेकिन ऐसा असंभव ही प्रतीत होता है क्योंकि आप लोग स्वयं को ही हर बात में सर्वोच्च ज्ञानी मानते हैं, परम बुद्धिमान मानते हैं, दूसरों की बात आप कहां सुनने वाले हैं। मानने की बात तो एक कल्पना मात्र है। एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा और सच्चा मित्र, एक अच्छा साथी आपके जीवन पथ पर तरक्की के लिए नितांत आवश्यक है, वरना आप सदैव भ्रमित ही रहेंगे अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, लोगों से धोखा ही खाते रह जाएंगे। क्योंकि केतु एक विश्वासघाती ग्रह भी है, तभी इसे मायावी बोला गया है, क्रूर ग्रह माना गया है। जिस घर में बैठा होगा वहां के लिए आपको निश्चिंत कर देगा, उस भाव से संबंधित कोई कमी आपको खलने नहीं देगा। लेकिन जब उस भाव को फलित करने की जरूरत पड़ेगी, जब उस भाव की जरूरत पड़ेगी आपको, तो वहां ये केतु आपको धोखा दे जाएगा, आपको वहां से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होगी। आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, बटुए को बिना चेक किए आप अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं इस उम्मीद में कि आपके बटुए में पैसे हैं, आपका पर्स पैसों से भरा हुआ है, किंतु मौके पर वो बटुआ आपको अगर खाली मिले तो आपकी स्थिति कैसी होगी। केतु यहाँ पर यही भ्रम देता है, पहले आपको बेफिक्र कर देगा, मौके पर आपको धोखा दे देगा, आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, जिस कारण सफलता के रास्ते में आप हमेशा ही पीछे खड़े मिलेंगे। कुछ इसी तरह आपको अपने पारिवारिक रिश्तों में भी धोखा मिलता है। अपने कुटुंब में सबसे ज्यादा आप जिस पर उम्मीद लगाते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हीं से आपको दुख मिलता है। जिन्हें आप अपने घर की रखवाली करने वाला समझते हैं, वही आपके घर के अंदर रहकर आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। केतु के अंतर्गत दो जीव आते हैं, कुत्ता और चूहा। कुत्ता घर की रखवाली करता है, घर को बचाता है, तो चूहा घर के अंदर घुसकर बर्बादी करता है। यहाँ एक का काम है घर को बचाना, तो दूसरे का काम है घर के अंदर रहकर घर की बर्बादी करना। यहाँ चूहे को नकारात्मक नेगेटिव और कुत्ते को पॉजिटिव केतु कहा गया है। अगर आपको केतु के खराब फल मिल रहे हैं तो आपको अपनी मुसीबतों का शोर गली कूचे में नहीं मचाना चाहिए, केतु आपको और ज्यादा परेशान करेगा। केतु खराब हो तो गणेश जी की उपासना करें, बीमार कुत्ते की सेवा करें, दूसरों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं, कंबल सफेद और काली धारीदार वाला दान करें। केतु पांव को भी कमजोर करता है, पांव के पंजों में समस्या दे देता है, तो पैर के अंगूठे में रेशमी धागा बांधिए। शुभ केतु और बुध परिवार को धन धान्य से युक्त करता है, विष दोष से मुक्ति दिलाता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, बुद्धिजीवियों के साथ मेलजोल रखता है, अध्ययन में रुचि रखता है, संपत्ति लाभ होता है, पुराने मित्रों के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होता है, समाज में मान सम्मान पाता है, कार्य में व्यवसाय में आपकी प्रगति होती है, जातक का कोई भी कार्य रुकता नहीं है, किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आती है। वैसे तो आप लोगों की मूलांक 1, 2, 4 और 7 वालों के साथ अच्छी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन अगर 21 जून से 27 जुलाई, 21 मई से 27 जून, 21 जनवरी से 27 फरवरी, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है, और अगर इसी समय के बीच में आपके साथी, आपके जीवन साथी का मूलांक भी 1, 2, 4 या फिर 7 पड़ता है तो सोने पे सुहागा। अगर आप इसी समय के बीच में 7, 16 या फिर 25 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। 7, 16 और 25 जून में जन्मी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, डीन मार्टिन, एंथोनी बोर्डेन, जॉर्ज ओरवेल, ख्वाजा अहमद अब्बास, इदरीस शाह, A.N. मूर्ति राव, संदीप नायक, N. गोपी, सुब्बाराव कृष्णमूर्ति, सोरेन बोस, मेक्सिको की महारानी शार्लोट, राल्फ वाल्डो एमर्सन, लॉर्ड माउंटबेटन, कैप्टन स्कॉट, तुपक शकूर, लियेम नीसन, जॉर्ज माइकल, एलन लवरसन, एकता कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, करिश्मा कपूर, उषा उपाध्याय, अमृता राव, विधि पांड्या,
ब्रजेश हिरजी, इम्तियाज अली, अरमान मलिक, आफताब शिवदासानी, रघुवीर यादव। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस नए चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।